स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखे थे कक्षा दसवीं के पार्ट एक के अभ्यास के 1 से 8 तक के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हम देखेंगे आगे के प्रश्न उत्तर। तो स्टूडेंट्स, आपको यदि ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इसमें नवा प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। हमें इस प्रश्न में दोनों का अर्थ बताना है। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जन होना अर्थात ऊष्मा निकलना, वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है CaO सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, और CaOH का होल ट्वाइस बनता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है अर्थात ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण 2AgCl सॉलिड फॉर्म में सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Cl2। यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है ये एक ऊष्मा का रूप है और इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। सूर्य का प्रकाश एक प्रकार का ऊष्मा का प्रकार है, अतः इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अर्थात जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है वे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ हैं और जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, उदाहरण दीजिए। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन उपस्थित होते हैं। पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात हम जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हैं वो जब टूटता है कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी अभिक्रिया ये है, जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो हमको इस अभिक्रिया के दौरान 6CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो हम अपने नाक के द्वारा बाहर कर देते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर हमको 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बहुत ऊर्जा होती है जो हमको कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। अब इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकल रही है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर 2Mg प्लस O2 लिया, ये दो अभिकारक हैं जो एकल उत्पाद बना रहे हैं 2MgO। सेकेंड एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O, ये भी दो अभिकारक हैं। अभिक्रिया के दौरान ये CaOH का होल ट्वाइस अर्थात एकल उत्पाद बना रहे हैं। अभी वियोजन अभिक्रिया में पहला उदाहरण है 2AgCl सूर्य का प्रकाश 2Ag और Cl2 में ये विभक्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पर एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। नेक्स्ट है CaCO3 ऊष्मा पाकर ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पर भी CaCO3 एकल अभिकारक है जो कि दो उत्पादों में टूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। पहला देखेंगे हम ऊष्मा के रूप में ऊर्जा। यहाँ पर हमने लिया 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म में, इसको ऊष्मा दी गई तो ये Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में टूटा, SO2 गैसेस फॉर्म में और SO3 गैसेस फॉर्म में। यहाँ पर जो ऊष्मा है इसके प्राप्त होने पर या मिलने पर ये एकल अभिकारक टूट जाता है। सेकेंड है
प्रकाश के रूप में ऊर्जा। ये उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं, 2AgCl सूर्य का प्रकाश पाता है, पाकर ये 2Ag और Cl2 में टूट जाता है। यहाँ पर 2Ag सॉलिड फॉर्म में है और Cl2 गैस फॉर्म में। अभी विद्युत के रूप में ऊर्जा, यहाँ पर देख रहे हैं हम 2H2O, जल के दो अणु लिए हैं, इसका वैद्युत अपघटन किया है तो जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, 2H2 प्राप्त होता है और O2 हमको गैस के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इनके समीकरण लिखिए। यहाँ पर हमने कॉलम खींच लिया है, एक तरफ लिखा विस्थापन अभिक्रिया, एक तरफ लिखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो अन्य धातु के लवण विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अभिकारक के आयन एक दूसरे से बदल जाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है Zn+CuSO4, तो यहाँ पर Zn ने Cu को हटा दिया और स्वयं वहाँ पर आ गया, तो ZnSO4 हमको मिला और Cu विस्थापित हो गया। द्विविस्थापन का उदाहरण है Na2SO4+BaCl2, BaSO4 बना और 2NaCl, माने ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, इस प्रकार से दोनों के आयन परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। इस प्रक्रिया में निम्न प्रकार की अभिक्रिया होगी, 2AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट प्लस Cu सॉलिड फॉर्म में लिया तो यहाँ पर हमको मिला कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर हमको सिल्वर धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो गई। सिल्वर के शोधन में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट व Cu कॉपर अभिक्रिया करके CuNO3 अर्थात कॉपर नाइट्रेट व Ag प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप अविलय पदार्थ के रूप में उत्पाद मिलते हैं अर्थात अवक्षेप प्राप्त होते हैं, वे अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखेंगे Na2CO3 अर्थात Na2CO3 प्लस CaCl2, ये अभिक्रिया जब करते हैं तो CaCO3 का अवक्षेप प्राप्त होता है और 2NaCl प्राप्त होता है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये आपस में अभिक्रिया करके CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप देते हैं और NaCl का एक्वस विलयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग एवं ह्वास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण दीजिए। पहला पद है उपचयन और दूसरा पद है अपचयन। सबसे पहले हम देखेंगे उपचयन, वे अभिक्रियाएँ जिनमें उत्पाद में ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अर्थात जब किसी अभिक्रिया के दौरान किसी उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ती है अर्थात ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे CuO+H2, अभिक्रिया के दौरान Cu+H2O, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है अर्थात यहाँ पर H2 का उपचयन हो रहा है, इस अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है। 2Cu+O2, यहाँ पर 2CuO बना अर्थात यहाँ पर Cu का उपचयन हुआ। नेक्स्ट है अपचयन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना या कमी होना अपचयन कहलाता है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाएगा। इसका उदाहरण है CuO+H2, फिर से वही उदाहरण है लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है, Cu का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है ZnO+C, अभिक्रिया के दौरान Zn बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, यहाँ पर Zn का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, इस तत्व X एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। उत्तर, भूरे रंग का चमकदार तत्व X कॉपर अर्थात Cu है, इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड नामक काला पदार्थ प्रदान करता है। जब कॉपर को
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2CuO काला पदार्थ हमको प्राप्त होता है, अर्थात कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको ये पदार्थ 2CuO प्राप्त होगा, ये काले रंग का पदार्थ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुएं वायु में उपस्थित नमी के कारण संक्षारित होने लगती हैं, अर्थात उनमें जंग लग जाती है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर पेंट कर दिया जाता है, जिससे वायु में उपस्थित नमी और लोहे का सीधा संपर्क नहीं हो पाता और लोहे की वस्तुएं संक्षारित होने से बच जाती हैं, अर्थात लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हमें उन पर पेंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ से तात्पर्य यहाँ पर है तेल से बना हुआ नमकीन, चिप्स, कुरकुरे आदि। तो यहाँ देखेंगे हम, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन को रोकने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। चिप्स, कुरकुरे आदि की पैकेजिंग के समय इनके पैकेट में ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, अर्थात हटा दी जाती है, और उसमें ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन जैसी कम क्रियाशील गैस को भर दिया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ उपचयित नहीं हो पाते हैं और वे सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, जिसमें पहला पद है संक्षारण। जब कोई तत्व अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आता है तो ये उनसे अभिक्रिया करके अपने ऊपर परत बना लेता है, अर्थात संक्षारित हो जाता है, यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण के उदाहरण है लोहे में जंग लगना, लाल भूरे रंग की परत बारिश के दिनों में लोहे पर दिखती है, चांदी पर काली परत बनना। चांदी जब हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, दुकान से खरीद कर लाते हैं तो वो बड़ी चमकदार होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो काली काली सी दिखने लगती है, क्योंकि जो चांदी है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ये परत बना लेता है। अगला है तांबे पर हरी परत, तांबे के जो बर्तन मूर्तियां हैं उनके ऊपर हरे हरे रंग की हमको परत दिखाई देने लगती है, अर्थात वो संक्षारित होते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट है इसी में संक्षारण से बचाव। संक्षारण से बचाव के पहला उपाय है पेंट करना। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट कर देते हैं तो वायु का और धातु का संपर्क टूट जाता है। सेकंड है गैल्वेनीकरण, जो लोहे की चादरें होती हैं, शीट्स होती हैं, उनके ऊपर उन जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे हम गैल्वेनीकरण करना कहते हैं। विद्युत लेपन, जो अधिक क्रियाशील धातु है उस पर कम क्रियाशील धातु की विद्युत लेपन कर दिया जाता है, अर्थात परत चढ़ा दी जाती है। फिर मिश्र धातु बनाकर, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बना दिया जाता है, जिससे उत्कृष्ट किस्म की धातु प्राप्त होती है। अगला पद है विकृत गंधिता। तेल तथा वसा युक्त पदार्थों का कुछ समय अंतराल के पश्चात अपचयन होने लगता है, जिससे उनका स्वाद तथा गंध बदल जाती है, यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। मतलब कुछ अधिक समय के लिए जब हम तेल और वसा युक्त पदार्थों को छोड़ देते हैं, जैसे नमकीन, चिप्स वगैरह, तो उनमें उपचयन होने लगता है। इस उपचयन के कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाती है, बेकार हो जाती है, अच्छी नहीं लगती, यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण नमकीन, चिप्स आदि का विकृत गंधी होना। सेकेंड एग्जाम्पल है चिप्स आदि के पैकेट की पैकेजिंग के समय O2 को हटाकर N2 जैसी कम सक्रिय गैस भर दी जाती है, ताकि वो विकृत गंधी नहीं हो पाए, अर्थात विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम ये वाली प्रोसेस करते हैं। स्टूडेंट्स, पाठ एक, विज्ञान के पाठ एक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरे जो पिछले दो वीडियो थे जिनमें मैंने और भी क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको सभी प्रश्न उत्तर एक साथ मिल जाएंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।